हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग सेशनल एग्जामिनेशन का जो भी पैटर्न है या आने वाले टाइम में मे बी इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आ सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया जाए फार्माकोग्नोसी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, बहुत सारे इंडस्ट्री में भी इस तरह के मतलब छोटे क्वेश्चन हर्बल इंडस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जीपैट में भी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो आज आपको वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के। तो इसमें फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है, ठीक है। अब हमने आप लोग को पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी ऑर्गन से रिलेटेड, तो बेसिकली लीफ ऑफ सेना, लीफ जो होता है प्लांट का पार्ट होता है, बार्क जो होता है वो भी प्लांट का पार्ट होता है, सीड जो होता है वो भी प्लांट का पार्ट होता है, बट जूसेस जो होते हैं वो प्लांट से निकाले जाते हैं यानी उनका प्रोडक्ट होता है। जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसका प्रोडक्ट होता है। ये जूस ऑफ एलोय जो है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट का जो आंसर होगा वो डी होगा। देन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है आपका, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड पाउडर इन रेड चिली पाउडर इज आइडेंटिफाई यूजिंग, यानी आप अगर एडल्ट्रेशन किया जा रहा है फूड पाउडर का रेड चिली के अंदर, रेड चिली पाउडर के अंदर, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करोगे आइडेंटिफिकेशन के। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी, अब आप इसकी मॉर्फोलॉजी तो कर नहीं सकते क्योंकि ये पाउडर फॉर्म है, माइक्रोस्कोपी, देन लासान ड्राइंग, देन टाइट्रीमेट्री। तो बेसिकली जो रेड चिली पाउडर है पाउडर फॉर्म में है तो इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो माइक जो भी पाउडर ड्रग है उसका हम लोग माइक्रोस्कोपी करके स्लाइड बना के और उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड से, ओके। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी माइक्रोस्कोपी। देन क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपका है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्यूएशन, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो केमिकल मेथड ऑफ इवेल्यूएशन का है, यानी आप केमिकल मेथड से इवेल्यूएशन करते हैं। अब इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल आयन कंटेंट, सेकेंड ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्टिव इंडेक्स, देन थर्ड है डिटेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड, एंड डी है आपका फोर्थ जो है, डी ऑप्शन जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वास्कुलर बंडलिंग। अब डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल आयन तो ये आप फिजिकल इवेल्यूएशन में करते हैं, वैसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी फिजिकल इवेल्यूएशन में करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल ये आपको करना होगा तो आप वास्कुलर बंडल का एग्जामिन करते हैं इसमें करते हैं, बट केमिकल मेथड ऑफ इवेल्यूएशन में आप डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड करते हैं यानी एल्कलॉइडल के जो टेस्ट हैं, जो उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, उसका टेस्ट करते हैं। तो जो इसमें थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा यानी इसका जो आंसर सही है वो है सी यानी डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग, अब इसमें कौन सा
ड्रग है जो एनिमल से ऑब्टेन होता है, यानी उसका जो सोर्सेज है वो एनिमल से मिलता है। हनी, वसाका, रोज, क्लोव। वसाका प्लांट है, रोज भी प्लांट है, क्लोव भी आपका, ये भी प्लांट से क्लोव मिलता है लौंग। तो यानी इसमें जो हनी है वही एक ऐसा सोर्स है जो एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन है सही है वो है ए, यानी हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सार्क लीवर आयल इज सोर्स ऑफ ड्रग। अब सार्क लीवर आयल जो है वो उसका कौन सा सोर्स है, क्या सोर्स है सार्क लीवर आयल का? बेसिकली जो सार्क लीवर आयल है, एनिमल ऑप्शन में एनिमल है, मिनरल है, मेराइन है, प्लांट है, ठीक है। सार्क जो है वो मेराइन के अंदर मिलता है, ब्लड जो सार्क है वो एनिमल है। तो यानी जो ऑप्शन इसका सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मिनरल तो सही नहीं होगा, मेराइन तो आपका पता ही है मेराइन के अंदर रहता है, प्लांट होता नहीं है। तो सार्क लीवर आयल का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी एनिमल होगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टाल की जो सोर्स ऑफ ड्रग, टाल किस सोर्स से मिलता है, कौन सा ड्रग है, किस तरह का ड्रग है? तो टाल जो होता है एज अ पाउडर होता है और एनिमल सोर्स होगा नहीं। जो ऑप्शन ए है वो एनिमल है, बी जो है मिनरल है, सी जो है मेराइन है, डी जो है प्लांट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा मिनरल, यानी जो है ये मिनरल सोर्सेज होते हैं टाल्क, ना कि एनिमल, मेराइन और प्लांट। तो बेसिकली मिनरल सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। बेसिकली सेफ्रान इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। सेफ्रान प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है? स्टेम से, एंथर से, एंथर एंड होल प्लांट जो बी ऑप्शन मैंने दिया है, और जो सी ऑप्शन दिया है स्टिग्मा, और मैंने फोर्थ ऑप्शन जो रखा है वो रखा है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली सेफ्रान जो होता है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, स्टिग्मा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सी, स्टिग्मा से मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, एस्पोर्टिडा क्या है? एस्पोर्टिडा एल्कलॉइड है, ऑयल है, रेजिन है, टेनिन है। तो एस्पोर्टिडा जो होता है वो एल्कलॉइड नहीं होता है, ऑयल इसके अंदर नहीं होता है, रेजिन और टेनिन देखते हैं। तो टेनिन तो नहीं है, ये एज अ रेजिनस कंपाउंड होते हैं। तो इसको इसका ऑप्शन सही होगा एक का ऑप्शन नंबर सी, यानी ये एस्पोर्टिडा जो होता है वो रेजिन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्विनीन कैसे ऑब्टेन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, क्विनीन कैसे ऑब्टेन होता है? तो बेसिकली ऑप्शन जो दिया हुआ ए सिनामोमम, बी दिया हुआ सिंकोना, सी जो दिया है एंड्रोग्राफिक्स, और जो डी दिया है स्ट्राइपनो। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो आंसर होगा क्विनीन, बेसिकली सिंकोना प्लांट से मिलता है, सिंकोना का केमिकल कंटेंट है क्विनीन। तो आंसर सही होगा, जो ऑप्शन इसका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंकोना। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 जो है, फिग्नोकार्पस आयल इज ऑप्टेन बाय। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है हिग्नोकार्पस आयल, तो मैंने हिग्नोकार्पस आयल आपने पढ़ा होगा, हिग्नोकार्पस रेटियाना, ये किस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स होता है? ये चालमुग्रा आयल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, हिग्नोकार्पस आयल, ठीक है।
उसका कंटेंट होता है हिप्नोकार्पस ऑयल, हम लोग इसको बायोलॉजिकल सोर्स भी हिप्नोकार्पस बैक्टीरियाना बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हार्ट परकुलेशन, बी ऑप्शन है स्किन डिस्लेशन, सी जो है वो कोल्ड एक्सप्रेशन और डी जो है पार्टीशन विथ वाटर। तो बेसिकली मैंने जब आप लोग को बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ाया था तो उसमें आप लोग को बताया था इट इज ऑप्शन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। तो कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड किस ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर तो ऑप्शन नंबर सी में मैंने दिया हुआ है कोल्ड एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया 1 ग्राम ऑफ सार कायल टू कंटेन नॉट लेस देन इंटरनेशनल यूनिट। मैं इसको बोला था वहां पे, मैंने शॉर्ट में दिया था आयू, हम लोग जो इंटरनेशनल यूनिट होता है उसको शॉर्ट में आयू लिखते हैं। आप विटामिन एक्टिविटी कितने आयु के मतलब विटामिन एक्टिविटी देता है, तो इसमें मैंने ऑप्शन दे रखा है 500, ए का ऑप्शन है, बी का ऑप्शन है 1000, सी का ऑप्शन है 2000 एंड डी का ऑप्शन है 6000। तो इसका जो आयु होगा आप देखिएगा, मैंने लिखा रखा है इंटरनेशनल यूनिट जो होता है नॉट लेस देन 6000 आयु, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा 11 का डी। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एमाइलम इज द सिनोनिम फॉर, एमाइलम किसका सिनोनिम है। तो एमाइलम जो होता है बेसिकली ऑप्शन जो है ऑप्शन ए फैगाकैन, बी ऑप्शन जो है स्टार्च है, सी ऑप्शन जो है जो सी है वो इंसुलिन है और डी जो है लास्ट कस्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन होता है स्टार्च का जो सोर्स सिनोनिम होता है वो एमाइलम होता है। तो स्टार्च का सिनोनिम एमाइलम होगा, यानी जो आपका 12 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो केमिकली ऊल क्या कंटेन करता है, केमिकली ऊल के अंदर कौन सा कंटेंट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही होगा। तो ए फाइब्रोइन, फेरिसिन, बी सी केराटिन एंड डी अलाबिन। तो इसमें जो 13 का जो इसके अंदर ऊल कंटेन करता है बेसिकली इसके अंदर केमिकल कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है केराटिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केराटिन। देन क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉसम ऑफ टालू इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली। बेसिकली ब्लॉसम ऑफ टालू जो ड्रग है उसकी कौन सी फैमिली है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन दिया हुआ है बारबेरी डेसी, स्टरेसी, सी दे रखा है लेग्यूमिनोसी और डी दे रखा है बर्सिरेसी। तो इसका जो फैमिली होता है ब्लॉसम ऑफ टालू का बेसिकली ये लेग्यूमिनोसी फैमिली का ड्रग है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी लेग्यूमिनोसी फैमिली का ये ड्रग है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 में बेसिकली कोरिएंडर जो वोलेटाइल आप कोरिएंडर क्या कंटेन अबाउट 90% ऑफ, कौन सा केमिकल है जो 90% कंटेन करता है, कौन सा वोलेटाइल ऑयल है जो 90% कंटेन करता है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टेक्सोलिनालूल, जो बी ऑप्शन दे रखा है लीवोबोरोनियाल, सी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है जेरेनियॉल, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है पिनिन। तो बेसिकली जो 90% वोलेटाइल ऑयल कंटेन करता है कोरिएंडर उसका नाम है लिनालूल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है डी लिनालूल। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे,
और क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो 16 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें क्वेश्चन, राउल्फिया सरपेंटाइना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राउल्फिया सरपेंटाइना यानी सर्पगंधा, यानी ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो मैंने आपको सिलेबस में पढ़ाया था। राउल्फिया सरपेंटाइना किस स्टेट में कल्टिवेटेड कल्टिवेशन होता है इन इंडिया, इंडिया के किस स्टेट में कल्टिवेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे रखा है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन दे रखा है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है यानी सी मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन दे रखा है मैंने उत्तर प्रदेश। तो ये इसका कल्टिवेशन ज्यादा ह्यूज अमाउंट में उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, यानी इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी 16 का जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 पे, जो बेसिकली बीज वैक्स होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइंटमेंट बेस। ठीक है, किस तरह के आइंटमेंट बेस में का एग्जाम्पल है, किस तरह का आइंटमेंट बेस में यूज होता है। तो उसके ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन या ओलियोजिनस, बी ऑप्शन है एडजॉर्प्शन, सी ऑप्शन है वाटर मिसबिल या रिमूवेबली, और डी ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल। बेसिकली जो बीज वैक्स की प्रॉपर्टी होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन पार्ट में कोई टॉक्सिन या ये एंटीडॉट की तरह प्रॉपर्टी करता है, यानी एडजॉर्प्शन का है, इसका ऑप्शन सही होगा एडजॉर्प्शन, यानी जो 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एडजॉर्प्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है विच साइटोटॉक्सिक ड्रग इनहिबिट्स सेलुलर डिवीजन इन माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज अरेस्ट। ठीक है, तो यानी ये कैंसरस अगर जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है वो क्या इनहिबिट करता है, क्या डिवीजन करता है माइटोसिस फेज में, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें है आपका ए विनक्रिस्टिन, बी 5-FU, सी मिथोटर्जेट, डी साइक्लोफोसफेमाइड। तो बेसिकली जो विनका का ड्रग है, विनका ड्रग है उसका जो केमिकल कंस्टेंट है विनक्रिस्टिन, वो ये सेलुलर डिवीजन इन माइटोसिस और मेटाफेज अरेस्ट करता है, इनहिबिट करता है और कैंसर सेल को मतलब रोकता है, इनहिबिट करता है उस ग्रोथ को। तो ऑप्शन होगा ए। तो 18 का जो आंसर है वो ए है विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 19। द एल्कलॉइड ऑफ ईपीक्वैक्विना रूट हैव इफेक्ट एक्सपेक्टोरेंट, पेन किलर, अमीबिसाइड या जो मैंने दे रखा लास्ट ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा जो एल्कलॉइड ऑफ ईपीक्वैक्विना कैकुना रूट है उसका इफेक्ट एक्सपेक्टोरेंट में भी होता है और पेन किलर में भी होता है, तो ये दोनों में काम करेगा, तो दोनों के लिए ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेसिकली अर्गट इज द आप द फंगस कैलिसेप परफ्यूरिया। ठीक है, किस पार्ट से मिलता है, तो इसका आंसर होगा बेसिकली जो फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है मैंने फिलामेंटस आईपी, बी ड्राइड स्क्लेरोटियम और सी स्कर्स्टोर
और डी कनिडियोस्पोर। अब चारों ये पार्ट हैं आपके लाइफ साइकिल के अर्गट के। तो इसमें जो जहां से मिलता है फंगस कैलिसस परप्यूरिया वो होता है ड्राइड स्क्लेरोटियम। तो ड्राइड स्क्लेरोटियम यानी बीस का जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कोल्चिसिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम, कोल्चिसिन किससे सिंथेसाइज होता है? तो कोल्चिसिन बेसिकली ऑप्शन मैंने दे रखा है ए टायरोसिन एंड फिनाइन एलेनिन, ट्रिप्टोफान एंड बेंजोइक एसिड, इसके अलावा ऑर्निथिन एंड फिनाइल एलेनिन, और डी ऑप्शन दे रखा है ऑर्निथिन एंड ट्रिप्टोफान। बेसिकली कोल्चिसिन सिंथेसाइज होता है टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। विच आर द फॉलोइंग हैज ऑक्सीटोसिस इन एक्शन, कौन सा ऐसा इसमें ड्रग है जिसका ऑक्सीटोसिस एक्शन है? बेसिकली ऑक्सीटोसिस लेबर पेन के केस में दिया जाता है। तो अब लेबर पेन के केस में हमने आपको पढ़ाया था, तो इसमें ऑप्शन मैंने दे रखा है ईपीकैट, बी अर्गट, सी सिंकोना, डी कोकाली। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बेसिकली ऑक्सीटोसिस एक्शन जो होता है वो अर्गट इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सिंकोना एल्क्लोइड विच गिव्स ब्लू फ्लोरेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सिंकोना एल्क्लोइड किस फ्लोरेसेंस के ट्रीटमेंट से और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्लू फ्लोरेसेंस देगा ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो फर्स्ट ऑप्शन है क्विनीन, सेकंड ऑप्शन है सिंकोनीन, एंड थर्ड ऑप्शन है सिंकोनिडीन, और फोर्थ ऑप्शन है क्यूनोवीन। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा वो होगा क्विनीन। जो ब्लू फ्लोरेसेंस देता है वो क्विनीन एल्क्लोइड के साथ देता है विथ सल्फ्यूरिक विथ S2SO4 के साथ। देन आते हैं 24 है आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्टिव अर्गट एल्क्लोइड आर डेराइव फॉर आइसोलर्सिक एसिड, इनएक्टिव अर्गट एल्क्लोइड आर डेराइव फॉर लाइसर्जिक एसिड। ओके, देन एक्टिव एल्क्लोइड डेराइव फ्रॉम लाइसर्जिक एसिड एंड इनएक्टिव एल्क्लोइड डेराइव फ्रॉम आइसोलर्जिक एसिड, बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव एल्क्लोइड डेराइव फ्रॉम लाइसर्जिक एसिड। डी तो एकदम गलत है और ए और बी उल्टा दे रखा है, तो यानी जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी एक्टिव जो होता है वो लाइसर्जिक एसिड से होता है, इनएक्टिव से आइसोलर्जिक लाइसर्जिक एसिड से होता है। तो 24th का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रिवीजन करते हैं। 25, बेसिकली द शेप ऑफ अर्गट इज, अर्गट का शेप कैसे होता है, कैसा होता है? ब्रोकन शेप जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कर्व्ड होता है, देन सी ऑप्शन है फ्यूजी फॉर्म होता है, देन डी ऑप्शन है सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अर्गट का शेप होता है, अर्गट का जो शेप होता है वो फ्यूजी फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्गट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, किस स्टेज में प्रोड्यूस होता है? हनी ड्यू स्टेज में, स्क्लेरोटियम स्टेज में, एस्कोस्पोर स्टेज में, स्पेसिलिया स्टेज में। तो जो अर्गट प्रोड्यूस होता है बेसिकली वो स्क्लेरोटियम स्टेज में होता है, यानी ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा स्क्लेरोटियम स्टेज। देन आते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे 27 पे। 27 का जो क्वेश्चन है वो है कोल्चिसिन यूज्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंटीगाउट, एंटी रूमेटिन, एंटी कैंसर एंड एंटी हाइपरटेंसिव। बेसिकली जो कोल्चिसिन है वो गाउट में, आर्थराइटिस में यानी रूमेटिज्म में, और इसके अलावा जो है एंटी कैंसरस ड्रग भी होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं होता है। तो ये आपका जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन डी, यानी इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। और सारे यूटिलाइजेशन है कल्चिसिन का, चाहे गाउट हो, चाहे रूमेटिज्म हो या कैंसरस एक्टिविटी हो। ओके, देन हम लोग आते हैं 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडॉट। ओके, कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एंटीडॉट यूज होता है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्यूरसिटीन, क्यूरसिटीन। सेकेंड ऑप्शन है टैनिक एसिड, सी है बोथ ए और बी दोनों सही है, या ननाथीन। तो इसमें जो एंटीडॉट की प्रॉपर्टी होती है वो टैनिक एसिड के अंदर होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एंटी हाइपर लिपिडेमिक प्रोडक्ट गूगल लिपिड इज, किस कौन सा ऐसा इसमें ड्रग है गूगल लिपिड का, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, प्रोडक्ट है जिससे ऑप्टेन होता है, ठीक है, गूगल लिपिड। तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन होगा, पहले तो देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या क्या, कॉमिफोरा रॉक्सबर्ग की, सी कॉमिफोरा मॉलमॉल, फिर सी कॉमिफोरा मुकुल और आलादी। ये तो ऑप्शन बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कॉमिफोरा मुकुल। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी 30 पे। ऑल ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा ड्रग है वो फ्रूट से मिलता है, वो आपके हैं डिल, फेनल, क्लोव, अजवाइन, जो ऑप्शन है। इसमें मैक्सिमम ड्रग जो है वो फ्रूट से हैं एक्सेप्ट क्लोव के, तो यानी आंसर जो होगा आपका 30 का वो सी होगा। देन आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे। ऑल ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम रूट एक्सेप्ट ए रॉल्सिया, ये आपका ये भी रूट से मिलता है, बी एकोनाइट रूट से मिलता है, सी बेलाडोना रूट से मिलता है, हाँ डी ऑप्शन एफेड्रा। एफेड्रा जो है एक फंगस प्लांट है, ये रूट से ऑप्टेन नहीं होता है, तो ये आपका आंसर होगा आंसर डी, यानी एफेड्रा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, विच आई यूज एज एंटी लेप्रोटिक। एंटी लेप्रोटिक अभी मैंने जस्ट पढ़ाया भी है आपको, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आप ध्यान देंगे तो जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ऑप्शन लेमन आयल सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन बी सैंडलवुड आयल सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन बी सार्क लिवर आयल सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस, करेक्ट आंसर इसका होगा सी चालमुग्रा आयल। चालमुग्रा आयल जो है वो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, यानी स्किन डिजीज में ये काफी अच्छा इफेक्टिव है। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन आपका है, गिवन द फॉलोइंग ड्रग विच इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक। अब इसमें एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा है, तो मेन आपका जो एंटी डायबिटिक ड्रग में पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए दे रखा है संकुष्टी, नहीं एंटी डायबिटिक नहीं होता है, बी पिकोराइजा नहीं होता है, फिर सी दे रखा है जिम्नीमा, और डी दे रखा है अर्गड। तो इन दोनों में जो ऑप्शन सही होगा एंटी डायबिटिक जो ड्रग होता है वो जिम्नीमा होता है। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 34 जो है, फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज कार्मिनेटिव एक्सेप्ट एस्पर्टिडा, नटमेग, अजवाइन, कटैची। बेसिकली एस्पर्टिडा, नटमेग, अजवाइन ये वोलेटाइल इन नेचर रहते हैं, तो ज्यादातर वोलेटाइल ड्रग्स जो रहते हैं कार्मिनेटिव फंक्शन देते हैं। कटैची जो है टैनिन वाला ड्रग है, टैनिन ग्रुप का ड्रग है, तो जो इसका ऑप्शन सही होगा 34 का डी होगा, यानी डी ऑप्शन में जो आंसर है कटैची वो करेक्ट आंसर है इसका, कि कार्मिनेटिव एक्टिविटी नहीं है। देन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35,
सिनोनिम ऑफ लैक्टोज इज, लैक्टोज का कौन सा सिनोनिम है? तो लैक्टोज का सिनोनिम में हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, मिल्क शुगर, बटर शुगर, क्रिस्टलाइन शुगर या प्योर शुगर। तो इसका जो आंसर होगा, सिनोनिम जो होगा वो होगा मिल्क शुगर, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का ए होगा मिल्क शुगर। ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया एमसीक्यू फॉर कमिंग सेशनल एग्जामिनेशन, और एनी अगर पैटर्न चेंज होते हैं एग्जामिनेशन के तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसीलिए मैंने इसको लास्ट टाइम पे आपको सेशनल एग्जाम के पहले प्रैक्टिस आज मैंने क्लास में भी कराया, और इसको यूट्यूब माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये वीडियो आप लोग के बीच शेयर करूंगा। इसको प्रैक्टिस करिए और अच्छे से सेशनल एग्जाम दीजिए, और कोई भी इस रग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या हमको पर्सनली जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस रग से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया, इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। लास्ट मैंने जो स्लाइड दिया है वो आंसर का स्लाइड है, आप इस अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस आंसर से, और आप इस आंसर को देख के आप अपना जो भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। थैंक यू।